तो दोस्तों, राजस्थान के किसान भाइयों के लिए आज की बड़ी अपडेट जो है वो ये निकल करके सामने आ रही है कि अशोक गहलोत सरकार के द्वारा किसानों के हित के अंदर जो है वो एक बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। इस वर्ष यानी 2021 के अंदर जो है वो अभी रबी की फसल के लिए जो बिना ब्याज का जो ऋण है उसके लिए जो तैयारी है वो शुरू कर दी है सरकार के द्वारा। किसानों को जो है वो लगभग 13 लाख से भी ज़्यादा किसानों को इसके अंदर जो है वो लाभान्वित करने का जो एक टारगेट है वो रखा गया है, जिसके अंतर्गत बात करें तो सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि लगभग जो है वो प्रत्येक किसान को 1.5 लाख रुपये तक जो है वो ऋण देने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। टोटल 6,000 करोड़ रुपये का जो ऋण है वो जो है वो दिया जाएगा। साथ ही साथ बात करें तो अगर संसाधन पर्याप्त नहीं होते हैं तो उस स्थिति के अंदर एपेक्स बैंक के द्वारा भी जो है वो कर्ज सरकार जो है वो ले सकती है, और जिसके माध्यम से ज़्यादा किसानों के लिए जो ऋण की व्यवस्था है, या आप ये कह सकते हैं कि बिना ब्याज के जो ऋण की व्यवस्था है वो जो है वो सरकार करने के लिए जो है वो जुट गई है। आपके इसके ऊपर क्या विचार है आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।